दोस्तों, ये आज की बात नहीं है, बल्कि इतिहास काल से ही महिलाओं को कमजोर समझकर उनकी डिसरिस्पेक्ट होती रही है। हालांकि समय समय पर महिलाओं ने अपने आप को साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है, लेकिन अब हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि महिलाएं ना सिर्फ पुरुषों के बराबर हैं, बल्कि उनसे कई गुना आगे भी हैं। और अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो वीडियो में इसी तरह से बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी महिलाओं से रूबरू करवाने वाले हैं जिन्होंने लोगों के होश उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किंड्रा कैंडरनाया। दोस्तों, चाहे ब्रूस ली हो या फिर जैकी चैन, इस तरह के मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स को देखकर ना सिर्फ लोग इनसे प्रभावित होते हैं, बल्कि इस फील्ड में इनका अच्छा खासा नाम भी है। लेकिन अब इस फील्ड के महिलाओं की बात आती है तो लोगों को ऐसा भी कोई नाम याद नहीं आता जिसकी मिसाल वो मार्शल आर्ट में दे सकें। पर कोई बात नहीं, ये लड़की इस मेल डोमिनेटिंग फील्ड में अपना नाम का परचम लहराने में पूरी तैयारी कर चुकी है। इंडोनेशिया में रहने वाली ये लड़की इतने बेहतरीन तरीके से मार्शल आर्ट करती है कि आप इसके मूव्स देखकर थोड़ी देर तो सोचते रह जाएंगे कि आखिर ये ऐसा कैसे कर ले रही है। जहां इसने अपने कई सारे वीडियोस में मेटल गैस सिलेंडर से लेकर कंक्रीट की दीवारों तक पर अपने शानदार टैलेंट का प्रदर्शन किया है। ऑल टोटल अगर कहा जाए तो इसकी पावर किसी भी सुपर हीरोइन से कम नहीं है, और ये सब कुछ इस लड़की की लगातार प्रैक्टिस का नतीजा है जिसने इसे इस लेवल पर पहुंचा दिया है। आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मार्शल आर्ट की फील्ड में आने के लिए इंस्पायर करेगी। फेथ डिकी। अब बाकियों का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक बात तो तय है कि दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है हील्स पर चलना। हाँ, अब भले ही महिलाएं बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर हील्स पहनकर चल लेती हूँ, लेकिन सच्चाई तो हमें भी पता है कि इसे पहनने में इंसान की हालत खराब हो जाती है, और इसीलिए कुछ लड़कियां तो हाई हील्स के नाम से ही घबरा जाती हैं। ऐसे में आप इन मोहतरमा को क्या कहेंगे जो न सिर्फ हील्स पर चल रही हैं, बल्कि समुद्र तल से 2750 फीट की ऊंचाई पर बंधी हुई रस्सी के ऊपर चलकर अपना शानदार टैलेंट दिखा रही हैं, जो किसी अजूबे से कम नहीं है। दोस्तों, डिकी ने ब्राजील में होने वाले एक फेस्टिवल में पहले तो नंगे पांव इस रस्सी के ऊपर चलकर दिखाया, और फिर इन्होंने सेम उसी ऊंचाई पर हाई हील्स पर चलकर लोगों की बोलती बंद कर दी। हालांकि इनकी हील्स रस्सी के साथ अटैच थी ताकि डिसबैलेंस होने पर इनको कोई नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी ये बिना गिरे इस पूरी रस्सी को पार कर लेती हैं, और इसी वजह से लोग इन्हें सुपर विमन भी कहते हैं। फरीनाज लेरी। दोस्तों, जिस किसी को भी किकबॉक्सिंग में इंटरेस्ट है उसे इस लड़की का नाम याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत काम देने वाला है। 2013 को फरीनाज ने किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली ईरानियन विमन बनकर इतिहास रच दिया, और तब से लेकर अब तक इस महिला ने रुकने का नाम नहीं लिया और लगातार अपनी किकबॉक्सिंग की स्किल्स को और ज्यादा बढ़िया लेवल पर पहुंचाती रही, और आज उसी का नतीजा है कि इन्होंने इस स्पोर्ट में एक अलग ही लेवल का सम्मान नाम दोनों अपने नाम किया, क्योंकि ये कई सारे चैंपियनशिप जीत चुकी हैं और इस समय ये कई सारे लोगों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी देती हैं, जहां इनका कहना है कि ये अपनी जैसी और भी कई सारी लड़कियों को इस फील्ड में लाकर ये दिखाना चाहती हैं कि लड़कियां किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हैं, और हम भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं। बाकी आपका इस बारे में क्या विचार है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सोफिया गोमेज़ भी। दोस्तों, जब हम सुपर वुमन की बात कर रहे हैं तो उसमें सोफिया का नाम लेना तो बनता है, क्योंकि इन्होंने कई इनक्रेडिबल नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए हैं जो कि 3 अलग अलग फ्री डाइविंग डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, ये एक फ्री स्टाइल डाइवर हैं। असल में ये एक ऐसा स्पोर्ट होता है जहाँ पर लोग बिना किसी ब्रीदिंग डिवाइस के पानी के अंदर गोते लगाते हैं, और इन मोहतरमा ने इस चीज में इतनी ज्यादा महारत हासिल कर ली है कि इस फील्ड में अब इनकी मिसालें दी जाती हैं। यहाँ तक कि 2014 में इन्होंने 642 फीट की गहराई में डाइविंग करके एक अलग ही लेवल का रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसके अलावा भी इन्होंने डाइविंग की फील्ड में काफी धमाल मचाया हुआ है, पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये फुल टाइम एथलीट नहीं है, बल्कि ये एक सिविल इंजीनियर हैं जो डाइविंग सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन के लिए करती हैं। मेलेनी ज़िबाल्ट। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, महिलाओं को हमेशा से ही मेल डोमिनेटिंग फील्ड में जाने में काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिली हैं, लेकिन कई सारी महिलाएं उन सभी परेशानियों को दरकिनार करके अपना हुनर दिखाई देती हैं। मेलेनी भी उन्हीं में से एक हैं, जिनकी मदर एयरफोर्स अकेडमी की पहली विमेन ग्रेजुएटिंग क्लास की मेंबर थी, और अब वे नेवी मरीन कॉर्प्स की पहली फाइटर बनकर न सिर्फ अपना बल्कि अपनी माँ का भी सपना पूरा कर रही हैं, जहाँ इस समय वे यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री में F-35B जेट उड़ाने वाले 6 इम्पोर्टेंट पायलट्स में से एक हैं। और जब से इन्होंने इस फील्ड में कदम रखा है तब से कई सारी महिलाएं इस फील्ड में आने के लिए और ज्यादा इंस्पायर हो रही हैं। ऑफिसर निकी लॉकवुड। अब आपको इस तरह की चीजें केवल फिल्मों में देखने को मिलेंगी, जहाँ पर पुलिस वाले अपनी ड्यूटी के पहले ही दिन मुजरिम को पकड़ लेते हैं और अपने बड़े ऑफिसर्स की वाहवाही अपने नाम कर लेते हैं। पर हम आपको बता दें कि असल में ऐसा हुआ है, जब निकी लॉकवुड अपनी ड्यूटी के पहले दिन रास्ते पर जा रही थी तभी इन्होंने एक
एक 17 साल के लड़के को ड्रग्स और प्लास्टिक बैग्स के साथ काफी सारे कैश के साथ पकड़ा। असल में हुआ ये कि जब निकी अपनी कार में बैठी तभी इन्हें पुलिस की ड्रेस में देखकर एक 17 साल का लड़का घबराने लगा और उसकी घबराहट को देखकर निकी ने उसे पूछताछ करनी शुरू कर दी, जिसके बाद ये पता चला कि उसकी गाड़ी में तो इस तरह के गैर कानूनी सामान है। अब अपनी ड्यूटी के पहले ही दिन इन्होंने एक मुजरिम को रंगे हाथों पकड़ लिया था। आमतौर पर इस सिचुएशन में लोग बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं, लेकिन निकी ने बहुत ही नॉर्मल तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया और 17 साल के लड़के को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। और अगर अभी भी आपको इसमें कोई बड़ी बात नहीं लग रही तो हम आपको बता दें कि इन्होंने ये सब कुछ अकेले किया। अरुणिमा सिन्हा, हमारे भारत में तो आपको एक से बढ़कर एक महिलाएं ऐसी मिल जाएंगी जिन्होंने लोगों को इंस्पायर करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, पर अगर हम किसी एक महिला की बात करें तो हमारे जहन में सबसे पहले अरुणिमा सिन्हा का नाम आता है, क्योंकि जहां माउंट एवरेस्ट चढ़ने में अच्छे खासे लोगों की हालत खराब हो जाती है, वहीं पर विकलांग होने के बावजूद इन्होंने न सिर्फ माउंट एवरेस्ट चढ़ने की हिम्मत दिखाई बल्कि उसे चढ़कर अपना और अपने देश का नाम फख्र से ऊंचा कर दिया, क्योंकि ये पहली ऐसी फीमेल एम्प्टी हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट चढ़कर दिखाया है। उसके साथ साथ किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रस के अलावा भी इन्होंने कई सारी जगहों पर पहुंचकर दुनिया को हैरान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वैसे ये एक स्पोर्ट्स वुमन भी हैं जिन्होंने 7 बार नेशनल वॉलीबॉल टीम में अपने देश की तरफ से खेला है और इनकी इन सभी उपलब्धियों के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। नताशा ओगे, दोस्तों इसमें कोई नई बात नहीं है कि महिलाएं आजकल सोशल मीडिया सेंसेशन बन रही हैं, जहां आपको सोशल मीडिया पर ऐसी कई सारी महिलाएं देखने को मिल जाएंगी जो लोगों द्वारा पसंद की जाती हैं, लेकिन नताशा रातों रात लोगों के दिलों पर छा जाने वाली नहीं है, बल्कि इन्होंने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत सारी मेहनत की, जहां इन्होंने हाई स्कूल क्लियर करने के बाद से ही फिटनेस की दुनिया में कदम रख दिया और मात्र 23 साल की उम्र में ये फिटनेस आइकन बन गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ इनकी मेहनत के बलबूते पर, क्योंकि जिस लेवल की ये हार्ड को प्रैक्टिस करती हैं उसे देखकर ही लोगों के अंदर एक इंस्पिरेशन जाग उठती है। इसी वजह से आज इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई सारी महिलाओं को इनकरेज कर रही हैं। नतालिया कुज़नेत्सोवा, अपने दिल की धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि अब हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी शानदार बॉडी देखकर अच्छे खासे पुरुष बॉडी बिल्डर्स भी शर्मा जाएं। नतालिया एक रशियन प्रोफेशनल फीमेल बॉडी बिल्डर हैं, जिन्हें हैवीएस्ट फीमेल प्रोफेशनल FBB इन द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक कि ये इस समय आर्म लिफ्टिंग, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट टाइटल की वर्ल्ड चैंपियन हैं। और अगर नतालिया के वजन की बात की जाए तो ये 260 पाउंड की हैं। 14 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखने वाली नतालिया ने शुरुआत से ही बॉडी बिल्डिंग को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि ये किस लेवल की बॉडी बिल्डर हैं। जैकी डेविस, वैसे तो आप लोगों ने कई सारी ऐसी कहानियां सुनी होंगी जहां पर महिलाएं मेल डोमिनेटिंग फील्ड में उतरकर अपना टैलेंट दिखाती हैं, लेकिन जैकी ने तो इन सभी चीजों से एक लेवल ऊपर का काम किया है, क्योंकि ये ऐसी पहली महिला है जो यूनाइटेड किंगडम की पर्सनल बॉडीगार्ड बनी हुई है। आप खुद ही सोचिए, बॉडीगार्ड जैसा खतरनाक काम जिसे सिर्फ पुरुषों के लिए ही सही समझा जाता है, उस काम को इन्होंने एक महिला होकर ना सिर्फ अपनाया बल्कि उसे पूरा करने में जी जान लगा दी। कई सारे इंटरव्यूज में जैकी का कहना है कि इनकी ड्यूटी का अधिकतर टाइम ये लोगों को रेस्क्यू करने में लगाती थी, क्योंकि ये हमेशा से ही मुश्किल में पड़े लोगों की मदद करने का सपना देखती थी और इसी वजह से इन्होंने ये फील्ड चुनी। अपने एक इंटरव्यू में इन्होंने ये भी बताया कि इनका अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इराक के ऑयल वर्कर्स को रेस्क्यू करना था, क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटीज से घिरे हुए एरिया में एक महिला का इतना जाबाजी से काम करना वाकई में काबिले तारीफ है। जमीला बेगम, दोस्तों हमारे भारत को यहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों में स्टीरियोटाइप सेट किए गए हैं, पर आजकल की महिलाएं उसे भी तोड़ते हुए नजर आ रही हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप जमीला बेगम के रूप में देख सकते हैं जो एक कसाई है। अब ये काम महिलाओं के कैरेक्टरिस्टिक के साथ फिट नहीं बैठता, क्योंकि लोगों को लगता है कि महिलाएं इन सब चीजों के लिए मजबूत नहीं होती, पर समाज की सभी बातों को झुठलाते हुए जमीला ने अपने शराबी पति को छोड़कर खुद की कसाई की दुकान पर बैठकर काम करना शुरू किया। अब ये इस चीज में काफी ज्यादा माहिर हो चुकी हैं। दोस्तों आपका इन महिलाओं के बारे में क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके अलावा हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।